me out, love just brings me down. Oh mama, पैर से दूर रहो, मेरे पैर में सू। अब ठीक हो गया मम्मा का पैर, ठीक है, अब आके शैतानी करने की जरूरत नहीं है। इतनी गरीबी आ गई है हमें कि मैं जमीन पे बैठी हूँ और इसके खिलौने सोफे पे पड़े हैं। अभी से यह हाल है, माँ को जमीन पे बिठा रखा है और अपने चहीतों को ऊपर बिठा रखा है इस लड़के ने, गंदा दुष्ट बच्चा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ रेनू और ये है शैतान बच्चा। सो गाइस, आप देख रहे हैं हमारा चैनल और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। लड्डू सबको हेलो कर दो, हेलो कर दो। अभी क्या हुआ कि मेरे पैर में ना वो नहीं होता, कई बार आपको पैर सो जाता है और जरा सी भी मूवमेंट होती है तो बहुत दर्द होता है, तो मेरे साथ वो हुआ, तो अब ये कह रहा है कि मेरे साथ भी हो गया है, पैर पकड़ के बैठा है। गंदे बच्चे, नौटंकी। सो गाइस, सुबह से मैंने कुछ शूट नहीं किया, अब मम्मा का पैर ठीक हो गया बेटा, नहीं ठीक हो गया मम्मा का पैर, अब नहीं है चोट उसमें। सो सुबह से मैंने कुछ शूट नहीं किया, अब हो रही है, शाम के 5 बज रहे हैं और अब मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि मन नहीं किया और मैं सो के भी 12 बजे उठी हूँ। वैसे मैं आपको एक बात बोलती हूँ, आप लोग मेरी इस बात से ना बहुत रिलेट करने वाले हैं कि जिस घर में बड़े रहते हैं, बड़े बूढ़े रहते हैं ना, उस घर में थोड़ा सा डिसिप्लिन ज़्यादा होता है। और जैसे कि अगर मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ रह रही होती या मेरे फादर इन लॉ रह रहे होते, तो चाहे मैं रात भर जागी हूँ लेकिन मैं सुबह उठ के अपने घर के काम करती, उसके बाद नहाती धोती, फ्रेश होती, उसके बाद दोपहर में फिर सोती, तब जाके अपनी नींद पूरी करती। लेकिन जिस घर में पेरेंट्स नहीं होते, बड़े बूढ़े नहीं होते, इन लॉज नहीं होते, मम्मी पापा नहीं होते, उस घर में ऐसा ही होता है जैसे कि मेरे घर में होता है, यानी कि अगर मेरी रात में नींद पूरी नहीं हुई है तो मैं सुबह अपनी नींद पूरी कर लेती हूँ, उसके बाद जब नींद पूरी होती तब मैं सो के उठती हूँ। ठीक बोला ना मैंने? अरे जाओ यार लड्डू, लड्डू 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 हार गया। सो मिरर बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है तो आप मेरी शक्ल मत देखिए, और मैं ऐसे ही जा रही हूँ बाहर, बस मैंने जैकेट पहन लिया। कैप कौन पहनाएगा? दिखाओ कैसे लग रहे हो, ऑल सेट? शूज पहनना भूल गई और दूसरे वाले स्लीपर्स भी पहनना भूल गई, तो हम जा रहे हैं इस वाले पार्क में। हम आ गए हैं पार्क में। हाँ बॉल रखो, नीचे नीचे रखो, किक करो, ये गुड। सो हो गई है शाम, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, और मैं लड्डू को लेकर आई थी पार्क में। लड्डू यहाँ पे बॉल खेल, लड्डू हेलो कर दो बेटा एक बार सबको, हेलो। सो ये यहाँ पे अपना बॉल से खेल रहा है थोड़ी देर, और मैं थोड़ी देर यहीं पे टाइम स्पेंड करती हूँ, उसके बाद फिर हम चलते हैं घर और चल के पियेंगे गर्मा गर्म चाय। Let it all wash away, 'cause
डर लग रहा है कि काट ना ले, शायद कैमरे में डिटेक्ट नहीं हो रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं। शाम हो गई ना, शाम थोड़ा अंधेरा होते ही, जैसे ही अंधेरा होने शुरू होता है ना, मच्छर वगैरह कीड़े वगैरह सब बाहर निकल आते हैं और वो उनका डर रहता है। लड्डू बहुत डरता है, बार बार मुझे बता रहा है कि मम्मा अपना सर पे देखो। वैसे लड्डू के सर पे नहीं है, मेरे ही सर पे दिख रहे हैं। और जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ ना, ये देखो, जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ वहाँ ये आ रहे हैं। सो चलो घर चलते हैं। चले हाँ। चलो, और कल सुबह आएंगे, ठीक है? तो सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाना फिर। यहाँ से कैसे चढ़ोगे अब? कैसे हो? तो बहुत ऊंचा है लड्डू। चलो चलो, कैसे चढ़ोगे? क्या हेल्प प्लीज। अच्छा बॉल दो दो, अब चढ़ो 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 चढ़ो। यस यस, यू कैन डू इट। ये सो अब हम निकलते हुए इस गुफा से। ये लड्डू की जंप, लड्डू की जंप। लड्डू नेक्स्ट तुम्हारी कैप चेंज कर देंगे, ठीक है? अब रेड वाली नहीं लेंगे, अब कोई दूसरा कलर लेंगे। ओके ओके, ऐसे करो। ओके ओके, चलो बॉल फेंकना नहीं। वहां कहाँ जा रहे हो? वहां बॉल चली जाएगी तो मिलेगी नहीं वापस। क्या देख रहे थे तुम? चलो अब हम चले घर की तरफ। हाँ वहां नाली है, देखने जा रहे हो कितनी गहरी नाली है। अच्छा ये लड़का मतलब खुराफात, देखो जरा इसकी गिट्टियां उठा के नाली में फेंक रहा है। चलो चुपचाप घर, कोई देखेगा तो पिट्टी करेगा तुम्हारी। छी, गाड़ी आ गई, कार आ गई, कार आ गई, रुको। तू बनाया बड़ा मजा। देखा मम्मा ने कहा था ना गिरोगे, गिर गए ना, खड़े हो। लड्डू कहाँ गिरे, चक्कर आ गए। मेरी गर्मा गर्म चाय, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चाय बनाई है मैंने, और चाय पी लेते हैं। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? यहाँ है। ये क्या कर रहा है मेरा बेटा? दूध पिएगा, पिट्टी खाएगा। The next day. देख लो पहले लड्डू ने क्या हरकत की रखी है। ये देखो, ये देखो अपना स्पाइडरमैन। आपको पता है ये वाला स्पाइडरमैन जो है ना, ये स्पाइडरमैन है एक्चुअली। ये मेरे भाई का, मतलब मेरा जो भाई है इस टाइम पर, वो शायद 24-25 साल का है। और ये उसके खिलौने हैं जो अभी लास्ट टाइम दिल्ली गया था तो उठा के लेकर आया है। ये इस स्पाइडरमैन से उसने खेला था। और मेरे भाई की आदत इतनी अच्छी थी ना, हाँ रुको रुको, तो इतनी अच्छी थी कि वो अपने सारे टॉयज को बहुत संभाल के रखता था। और एक मेरे बेटे की आदत है कि हर चीज़ को तोड़ के रख देता है। और लड्डू देख लो, जैसे कि एज यूजुअल हमेशा की तरह उसने सारे खिलौने फैला रखे हैं, मुझे इनको भी समेटना है। और मैं आपको बाहर का मौसम दिखा देती हूँ। बाहर इतनी अच्छी धूप है ना, आपको दिख रही होगी मेरे फेस पे धूप। मैंने कल कपड़े धोए थे और पता है मेरी वॉशिंग मशीन का ड्रायर ख़राब हो गया है। तो अभी आप मेरे, मैं दिखाती हूँ कपड़ों का क्या हाल है। कपड़े कल के धुले कपड़े हैं जो अभी तक, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना, आप उन्हें कितना भी निचोड़ लो वो ठीक से साफ़ नहीं होते हैं, मतलब निचोड़ते नहीं है, खाली नहीं होते हैं। और सारे कपड़े ऐसे गीले हो रखे हैं, बस अच्छे से धूप रहे तो मेरे कपड़े भी सूख जाएंगे। सो गाइज अब मैं करती हूँ इस व्लॉग का एंड, और आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये था एक नॉर्मल सी लाइफ का, मतलब एक डेली वाला व्लॉग, क्योंकि डेली कुछ ऐसा नहीं, मतलब हैपनिंग नहीं होता है। समटाइम दिन बोरिंग भी जाते हैं, समटाइम बहुत नॉर्मल से भी जाते हैं, और समटाइम बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग भी होते हैं डेज। सो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड मुझे ना अभी एक चैलेंज वाली वीडियो भी एडिट करनी है। लास्ट 3 डेज से मैं उस चैलेंज को कंटिन्यू कर रही थी, कल वो चैलेंज ख़त्म हो गया है और वीडियो रिकॉर्ड होकर रखी हुई है, बस एडिट करनी है। लेकिन एडिट करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, तो घर के काम भी हैं, वीडियो एडिट भी करनी है, और
फिर देखते हैं क्या करते हैं, हो सकता है मैं अभी से नया व्लॉग भी स्टार्ट कर दूँ। तो फिर मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय।